नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सबसे पहले आपको मुमरा का कोरोना अपडेट दे देते हैं। मुमरा में आज 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुमरा के आंकड़े बढ़कर 137 तक पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों की। प्रवासी मजदूर के घर लौटने के लिए स्पेशल ट्रेन की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार की तमाम दावों के बाद भी प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन जारी है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई बड़े बड़े शहरों से मजदूरों की मजबूरी और लाचारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच मुंबई में बुधवार स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूरों की उमड़ा भीड़ हुई। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से सड़कों पर बेतहाशा लोग दौड़ रहे हैं, और इस भीड़ में पुरुषों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी गिरते पड़ते अपने आप को पिटाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच अपने घर लौटने की आस में मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन यहाँ इन्हें पुलिस के डंडे मिले। देखिए मुंबई सेंट्रल इलाके का ये वीडियो, जहां पर लोग सुबह भारी भीड़ हुई, जिसके बाद भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई की सूरत नहीं बदली। जैसी तस्वीर सुबह 10 बजे की है, ठीक वैसी ही रात को भी नजर आई। सीएसटी स्टेशन के बाहर स्पेशल ट्रेन से घर जाने के लिए बैठे लोगों को महिला पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी भीड़ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। मुंबई में रहने वाले ये प्रवासी मजदूर है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना फॉर्म भरा था। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर इन्हें कॉल करके बुलाया गया था, और जिनके घर पर कॉल नहीं आया है उन्हें वापस लौटा दिया गया। देखिए किस तरह से लोग भीड़ बनाकर बैठे हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही है, फिर भी ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वापस लौटने की अपील पर भी ये वापस नहीं लौट रहे हैं। जिन लोगों की मंजूरी हो चुकी है उनको सैनिटाइज करके और उनका सारा सामान सैनिटाइज करके उन्हें आगे के सफर के लिए भेज दिया गया है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।